Hey guys, welcome back to my new blog. और guys अभी हम हैं लखनऊ में और भाई कैसे चल रहा है खाना पीना भाई व्लॉग तो बनना चाहिए ना, आपको दिखाते हैं भाई ये सारे फ्रेंड, ये सूरज हेलो, और भाई ये अज्जू, इधर आजाद अंसारी, भाई मनीष ने लाया है पराठा सबके लिए, हाय मनीष, देख सकते हो भाई हमारा खाना चल रहा है नाश्ता मतलब कि ब्रेकफास्ट। ओके सो गाइस हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज कुमार। मनीष ने लाया पराठा और इट्स सो टेस्टी यार, खाने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी भूख लग तो लगी रही थी कल से, सभी लोग यहाँ पराठा खा रहे हैं, सबको भूख लगी है बहुत तगड़ी, अरे आराम से खाओ आलोक, खत्म नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक बंदा यहाँ पे मिसिंग है पतली हमारा, वो अभी आएगा थोड़ी देर बाद। वो आ रहा था उसके आते आते उसकी बाइक पंचर हो गई, बाइक पंचर हो गई, हाँ भाई वो बाइक नहीं उसकी बस पंचर हुई है, बस से आ रहा है, बस पंचर हुई है, तो भाई बाइक नहीं बस पंचर हुई, बस में चार चार टायर होते हैं, एक स्टेप नहीं बदल जाती यार, और वो छह छह टायर होते हैं, वो है कितना इतना पतला सा, तो भाई उस बंदे तो कुछ पंचर भी हो सकता है, उसे तो बड़ा पंचर ना हो, बस पंचर भी जा रही है। तो गाइस वो अर्जुन आएगा एक दो बजे आएगा, फिलहाल भाई हमारा खाना नहीं चल रहा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे क्या होने वाला है, तो बने रहिए और लगे रहिए ब्रांडेड ब्लॉग ब्रांडेड चैनल से। तो गाइस अभी हम चार बाग में हैं, चार बाग से जाना है मुंसिपुलिया, नाउ गाइस टोकन ले लिया भाई हमने, लखनऊ का रेड टोकन होता है और दिल्ली का थोड़ा वाइवर्ट होता है, फिलहाल तो अभी एक्सीलेटर में हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मुंसिपुलिया, मुंसिपुलिया जाएंगे और उसके बाद जाना है कंपनी में ग्रो फास्ट फर्टिलाइजर कंपनी में, जहाँ हमारा इंटर्नशिप चल रहा है, मतलब कि इंटर्नशिप चल रहा है, और फिलहाल तो आप देख सकते हो भाई पीछे मेट्रो जा रही है। इसमें आपको दिखा दूँ ये लखनऊ का चारबाग मेट्रो स्टेशन है और भाई देखने में काफ़ी सही लग रहा है, ऐसे फ़िलहाल तो छोटा है मेट्रो स्टेशन लेकिन सही है। वी आर वेटिंग टू मेट्रो, लाइक मेट्रो इज़ कमिंग, और हम सारे भाई दोस्त लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं मेट्रो का, हम सोच रहे कब मेट्रो आए और फिर उस पर भाई बैठ के जाएँ, सिंस लॉन्ग टाइम वी विल सिट इन दी मेट्रो, भाई बैठेंगे मेट्रो में और काफ़ी मज़ा आने वाला है, और उसके बाद जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम अपने कॉलेज। गाइस हम अभी वेट कर रहे हैं भाई मेट्रो का सारे लोग, और मेट्रो आ गई है भाई और हम रेडी हैं। चलो कहीं बैठ जाओ, इस मेट्रो में भाई बैठ गए हैं और ये मेट्रो जाएगी लखनऊ चारबाग से मुंसिपुलिया और फिर हम वहाँ पर उतरेंगे। भाई हम पहुंच गए अभी मुंसिपुलिया और इसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। भाई ये भी कुछ स्टेशन ऐसे सेम ही है, देखने में तो सेम ही लग रहा है। भाई यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, अब लाइन में जाने का भाई सी मैप जाएंगे घूमने के लिए, लिफ्ट में घुसे भाई, लिफ्ट बंद है अभी, खुल गई। सो गाइस रिक्शा ले लिया है, अब जाएंगे सी मैप, हाय आजाद, देख सकते हो रास्ते में भाई फॉग चल रहा है, मेरा फ्री का फॉग पा गए हैं, फॉग चल रहा है भाई, ओ भाई एक मिनट भाई, भाई देख सकते हो किसी का फॉग पा गया भाई, यूज कर रहे हैं सारे लोग, नहीं मेरा है मेरा, हाँ ये अज्जू का फॉग है भाई, अज्जू का नहीं फॉग, और ये हमारे अंकल है रिक्शे वाले। सो फाइनली गाइस अभी हम हैं सी मैप में और सी मैप घूम रहे भाई, काफ़ी जगह घूम लिया है और देख सकते हो भाई इधर छोटू है सारे लोग हैं और ये फोटो खिंचा रहा है, यहाँ पर हम घूम रहे हैं सी मैप में और काफ़ी कुछ चीज़ें देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ दिखाते हैं आपको फ़ोटो में।
कि आप हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा जो कि बहुत ही फेमस एक प्लेस है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है लखनऊ का, उसे हम भूलभुलैया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर भूलभुलैया क्या है और क्यों उसे भूलभुलैया कहा जाता है। इमामबाड़ा की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कुछ नई बातें और कुछ नए स्टोरी आप लोगों के साथ। फाइनली गाइस अभी हम पहुंचे हैं इमामबाड़ा और यहाँ पर भाई सारे, और अब घूमेंगे इसके अंदर, देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या है आपको दिखाते हैं। इसी बीच से बीते कुछ दिनों में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो दर्ज किया गया है, इसका नाम टॉप 10 में आ चुका है। और भाई लखनऊ का फेमस है ये, और अगर जो लखनऊ आया और इमामबाड़ा नहीं घुमा तो मतलब वो लखनऊ कभी नहीं आया। क्या देखा उसने कुछ? और हाईएस्ट विजिट है यार यहाँ पर इमामबाड़ा लखनऊ। तो गाइस हम ले चलते हैं आपको। फाइनली गाइस हम अंदर विजिट कर रहे हैं, ये गाइस आप देख सकते हो ये पूरा सीन है इमामबाड़ा का, भाई काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है आप देख पा रहे होगे। फाइनली बहुत दिन से भाई सोच रहे थे कि इमामबाड़ा घूमेंगे और आज आ ही गए हैं इमामबाड़ा घूमने के लिए। भाई घूमेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छा खासा है भाई दोस्तों के साथ में। लखनऊ का फेमस सिटी है इमामबाड़ा। तो गाइस इमामबाड़ा में एंटर हो गए, लेकिन भाई यहाँ पर वीडियो बनाना होना है, क्यों मनीष? बहुत चुपके चुपके रिस्क के साथ काम कर रहे हैं। अगर हमारा पकड़ा गया भाई तो मोबाइल हमारा जब्त हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये लोग बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं स्पीकर में, तो इसलिए गाइस थोड़ा वीडियो अच्छे से नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखाएंगे। दो मिनट में वीडियो बन जाएगी। बोल भैया के अंदर घूम रहे हैं भाई, अगर आगे कोई हो ना तो बता देना। सूरज इसको डर लगता है यार इधर। हां भाई कैसे अंदर जा रहे थे पतले रास्ते पे, डर लगेगा यार सूरज। अभी देख इधर जा सर। हां पापा इधर इधर बैठो। ओ सूरज कोई हो गाड़ी तो बता देना, ठीक है वीडियो ना रहा। अबे यार मैं तो दिख रहा हूं। ओ चला भाई लाइट चला, चलो अबे इधर इधर अंदर दे। मैं बोल भाई यहां में पूरा अंधेरा पड़ रही है, बंद है भाई रास्ते। भूल भुलैया में इतनी ज़्यादा सुरंग है। गाइस हम यहाँ पर बैठे हुए हैं भूल भुलैया के ऊपर, आपको दिखाते हैं ऊपर से सीन कैसा दिखता है। आप भाई देख सकते हो इतना बड़ा सीन है, बड़ा रिक्श लेके बनाना पड़ रहा है भाई, सारे लोग इस साइड है। ओ भाई सीन भाई, इसके बाद आ रहा हूँ ना मैं। जल्दी भाई देख रहा ये ट्रेन है नहीं, बस से निकल जाना। सो गाइस इमामबाड़ा से घूम के आ गए थे और अभी ट्रेन में बैठे हुए हैं, और इसके बाद जाएंगे कानपुर, और कानपुर से देखते हैं बस से जाते हैं ट्रेन से जाते हैं, और बस उसके बाद बांदा यूनिवर्सिटी है ना आज। हाँ उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे कानपुर। लेकिन गाइस घूमने का आज अच्छा एक्सपीरियंस था भाई, घूम लिया भूल भुलैया, बहुत दिन से घूमा नहीं था। पहले तो हम लोग आए थे 10 बजे आ गए थे लखनऊ, उसके बाद हम लोग सीधे हम लोग सिमेप गए ना कि इंडस्ट्री, फिर वहाँ से सिमेप से सीधे इमामबाड़ा गए, फिर इमामबाड़ा में 2-3 घंटे घूमे थे। क्योंकि इंडस्ट्री में जो सर थे वो बोले कि आज नहीं आएंगे, तो इसलिए कोई जाने का मतलब बनता नहीं, इसलिए हम गए नहीं थे आज, और इसलिए हम आज जा रहे हैं वापस बांदा। हो सके तो इमामबाड़ा के ये फोटो खींचे होंगे तो इसमें शेयर भी करेंगे वीडियो में, दिखाएंगे आपको।
गाइस ट्रेन से उतर गए हैं और अब जा रहे हैं, बस से जाएंगे। सो फाइनली गाइस मैं अभी रूम में आ चुका हूँ और भाई सब सामान वहाँ रख लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। जो मेरे साथ में मेरा दोस्त आ रहा था उसका एक मोबाइल गायब हो गया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। और मोबाइल का भाई गायब हो गया तो मोबाइल तो मिला नहीं, बस यही हुआ था। चलो कोई नहीं, अब वो दूसरा मोबाइल खरीदेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।